नमस्कार, मैं ललित। भारत का पड़ोसी जल रहा है और भारत में बजाई जा रही है बयानों की बंसी और धुन ऐसी कि नीरो पानी पानी हो जाए। पड़ोस की आग की आंच में कैसे ऐसे ऐसे कैसे कैश करवाई जा रही है अपनी दुकान चमकाई जा रही है। कुछ जिन्हें अपने राजनीतिक भविष्य का नहीं पता, वो भारत के भाग्य विधाता बनने पर तुले हुए हैं, भारत के भविष्य वक्ता बनने पर तुले हैं। कुछ ऐसे जो शून्य की संख्या ना बता पाए लेकिन बयान के बाजीगर बने हुए हैं। सावधान होने के दौर में सियासत हो रही है। अब इसे आह से देखिए, वाह से देखिए, यह आप पर है। सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पुरानी पार्टी के विवादों के पुरोधा हैं सलमान खुर्शीद। उनका कहना है, जो वहां हुआ वो यहां भी हो सकता है। What's happening in Bangladesh can happen here. It's just that Bangladesh is a concentration of much that we have in our country, and the spread in our country prevents things blowing up in the manner in which they've blown up in Bangladesh. But whatever is happening in Bangladesh, भारतीय राजनीति एक्शन से ज्यादा रिएक्शन प्रिय हो चली है। बात निकली, आंच निकली तो चिंता मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा को ही। सरकार की नीतियों की आड़ को लेकर उन्होंने भी राग सलमान गा दिया। बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जीतते सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। अब भारत का नंबर है। अब जब एमपी कांग्रेस से बयान आया तो पुराने कांग्रेसी और नए भाजपाई प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कमान संभालने के सहारे कांग्रेस को अराजक बताने का मौका बिल्कुल नहीं चूका। कांग्रेस सिर्फ देश में एक अराजकता का माहौल पैदा करने का बात करती है, लोगों को तोड़ने की बात करती है, जबकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जोड़ने की बात करते हैं और उनके उत्थान के लिए काम करते हैं। क्या एमपी और क्या दिल्ली, बांग्लादेश तो बहाना है, सबको सिर्फ बोलते जाना है। बिहार के बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के साथ साथ पूरी पार्टी को घेरा। बांग्लादेश हिंसा के दौरान वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कांग्रेस नेताओं ने चुप्पी क्यों साध ली है, ये उन्होंने कहा। गिरिराज सिंह का यह बयान है। अब उन्हें पाकिस्तान से आम आया, एम्बेसी ने भिजवाया पाकिस्तान के, और क्या क्या अच्छे लग रहे हैं, क्या कोई नापाक साजिश तो नहीं पाकिस्तान और कांग्रेस के बीच हो रहा है। तो किसी को हिंदुओं की चिंता है, किसी को हिंदुस्तान की चिंता है। रिएक्शन आम आदमी का भी आया और खास पार्टी से भी आया, उसे भी आपको सुनना चाहिए। भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं, नफरत फैलाने की भी कोशिश की जाती है, दंगे फसाद कराने की भी कोशिश की जाती है। यहाँ पर अपने वोट की ताकत से नफरत फैलाने वाले लोगों को लोग हराते भी हैं, हटाते भी हैं। उन्होंने एक किताब लॉन्च के परिस्थिति में ये कहा है, किताब लॉन्च के इवेंट में कहा है, भारत में एक तरह से प्रोटेस्ट होंगे, भारत में आगजनी होगी, जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में होगी, इसकी चेतावनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सलमान खुर्शीद जी ने दिया है। और कई दिग्गज जो वहाँ मौजूद थे, शशि थरूर से लेके अन्य नेता भी वहाँ मौजूद थे, एक तरह से उनकी स्वीकृति थी। इन सब के बीच मौजूद सवाल ये कि साथ रहकर, सतर्क रहकर एक साथ कोशिश कब की जाएगी। पश्चिमी देशों के साथ से बेवजह के, पश्चिमी देशों के अलावा भी जो बेवजह के चौधरी बनते हैं अमेरिका, उन्हें लोकतंत्र के अलावा, अपने देश के लोकतंत्र के अलावा सारी दुनिया के लोकतंत्र की ज्यादा चिंता सताती है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि कहीं यहां मामला बांग्लादेश ना हो जाए। वैसे भारत के कई चिंतक पहले भी अलग अलग देशों में जाकर लोकतंत्र की दुहाई देकर मदद मांग चुके हैं, आपको अय्यर की याद आ सकती है। इधर क्रांति के नाम पर शुरू हुआ बांग्लादेश का आंदोलन अराजकता की चरम सीमा पर पहुंच चुका है। लुटेरों में तब्दील हुए आंदोलनकारी हर वो चीज कर रहे हैं जो बांग्लादेश को धीरे धीरे दशकों पीछे धकेल रहा है। लेकिन चिंता की बात तो यह है कि पड़ोस में होने के चलते वहां की हर घटना भारत को सीधे प्रभावित करती है। तस्लीमा नसरीन की
लिखी किताब लज्जा आपको याद होगी। इसके अलावा 24 की चुनावी जंग में जिस तरह से आरक्षण खत्म होगा, संविधान बदला जाएगा, इसकी दहशत ने पूरे चुनावी रंग को बदल दिया। उससे लगता है कि सावधान रहने की जरूरत तो है। जब एक अफवाह पर ब्रिटेन जल सकता है तो डर के सहारे अराजकता क्यों नहीं फैलाई जा सकती। याद कर लीजिए पिछले 10 सालों में जो आंदोलन खड़े हुए, CAA के नाम पर सड़कों को घेरा गया, दिल्ली में 50 से ज्यादा लोगों की दंगों में जान चली गई, किसान आंदोलन के नाम पर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को उग्र बना दिया गया, लाल किले की प्राचीर पर प्रदर्शन की आड़ में खालिस्तानी झंडा तक पहुंच गया। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हकीकत यह है कि यह दुनिया की सबसे महानतम जमहूरियत है। सबसे बड़े लोकतंत्र की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। यह हल्के बयानों से हिलने वाली नहीं है। लिहाजा जो भविष्यवाणियां की जा रही हैं, भारत में ऐसा हो सकता है, भारत में पीएम हाउस में यह जा सकता है, वो घुस सकते हैं, इनसे डरने की कतई जरूरत नहीं। इस जमहूरियत के सच्चे रक्षक आप हैं। नमस्कार।